तो ये है दार्जिलिंग स्टेशन और ये सामने लगा हुआ है टॉय ट्रेन, और यहाँ पर आपको बोर्ड भी देखने को मिल रहा होगा, और यहाँ से टॉय ट्रेन वगैरह मतलब जाती है, और ये है जो कि फिलहाल अभी खाली है, तो यहीं से आपको टॉय ट्रेन मिलेगी, तो आप यहाँ अगर आ सकते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ का लोकेशन है और टॉय ट्रेन का यहाँ से आप आनंद भरपूर ले सकते हैं। और हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत होंगे। तो फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ दार्जिलिंग, और मेरे बैक साइड में आपको ये दिख रहा है, ये दार्जिलिंग का स्टेशन है। तो यहाँ से जो टॉय ट्रेन है यहाँ से चलती है, जो कि आपको दिखना होगा यहाँ पे इंजन वगैरह लगा हुआ है, उसको मैं दिखाता हूँ, और यहाँ जो दार्जिलिंग का स्टेशन है उसको भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल मेरा जो रूम वगैरह है दार्जिलिंग जो स्टेशन है इसके बाजू में मैं ले रखा है, तो चलिए इसको भी दिखाते हैं कि कैसा आपको, जैसे अगर आप दार्जिलिंग आते हैं तो टॉय ट्रेन का अगर आप सफ़र नहीं करते तो समझिए कि आप कुछ नहीं किए, क्योंकि टॉय ट्रेन यहाँ की बहुत ही फेमस है। और अभी चलते हैं लोकल मार्केट वगैरह, और जो भी दार्जिलिंग का जो शहर वगैरह जो मॉल रोड वगैरह वो सब दिखाने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। ये सब इसका दार्जिलिंग का जो स्टेशन है इसके आजू बाजू का ये पूरा लोकेशन है। चलिए वीडियो में कंटिन्यू रहिए और वीडियो का आनंद लेते रहिए, और उसके बाद सजेशन देकर आप बताइए जरूर कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो ये है दार्जिलिंग ट्रेन का जो टॉय ट्रेन का स्टेशन, उसके आजू बाजू का लोकेशन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, और यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो कुछ फोटो वगैरह भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का बनाया गया आई लव दार्जिलिंग, जो DHR जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, मलिक सर फोटो वगैरह के लिए यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, आप भी ले सकते हैं अगर यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नजारा आपको देखने को मिल रहा है, पहाड़ों के बीच आपको घर देखने को यहाँ पर मिल सकता है, और इसी तरीके से यहाँ पर घर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि कहीं भी पहाड़ी इलाके में पहाड़ी क्षेत्र में आप चले जाए तो इसी तरीके से हरा भरा जैसे कहीं यहाँ पर देखने को मिलेगा, कहीं आपको घर देखने को मिलेगा, कहीं आपको पहाड़ ही पहाड़ देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आपको पहाड़ देखने को मिल रहा है, और इधर कुछ लोग घर आपको देखने को मिल रहा है, और ये स्टेशन है जो कि टॉय ट्रेन का स्टेशन। तो यहाँ से आप टॉय ट्रेन की जर्नी अपनी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से टॉय ट्रेन का भरपूर आनंद ले सकते हैं। दार्जिलिंग टूर पे आते हैं तो आप जरूर इसको एक बार ट्राई। मास्टर साहब का एकदम हालत खराब हो चुका है साहब, पेट कैसे कम हो जाएगा, और मिलता है कि नहीं मिलता है वो चलिए देखते हैं, वहाँ से कुछ देखने को मिलता है कि नहीं, व्यू पॉइंट बताया जाता है। तो उसी के चक्कर में हम लोग मतलब नीचे से ऊपर चल कर आ गए जो व्यू पॉइंट ढूंढने के लिए, लेकिन अभी तक मिला नहीं। क्या हुआ? आगे 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 करके बहुत दूर हम लोग पहुँच गए। चलिए चलते हैं, पहाड़ में घूमने का यही मजा है कि चढ़ते रहिए उतरते रहिए, चढ़ते रहिए उतरते रहिए। और फिलहाल हम लोग अभी काफी ऊपर आ चुके हैं जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, और यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके का व्यू आपको देखने को मिलेगा दार्जिलिंग का। यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत आपको हरा भरा घर वगैरह पहाड़ हर चीज ऊपर से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी को देखने के लिए हम लोग बहुत दूर से चलकर यहाँ ठंडा के मौसम में पहुंचे। फिलहाल हम लोग तरफ थोड़ा बहुत अभी ठंडा आ चुकी है, फिर भी यहाँ का मौसम जो बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही खूबसूरत मौसम होता है। मलिक सर देखिए यहाँ से पूरा भरपूर यहाँ से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए बीच में छोटा छोटा आपको यहाँ से घर वगैरह देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक व्यू पॉइंट बनाया गया, आप यहाँ से देख सकते हैं पहाड़ों के बीच में कैसे लोग रहते हैं, कैसे घर होते हैं, ये सबको आप यहाँ से आसानी के साथ देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो के माध्यम से और भी कुछ देखे होंगे, क्योंकि बहुत सारी वीडियो में दार्जिलिंग का डाल चुका हूँ, और ये भी आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा आपको हरा भरा ही आपको देखने को मिल रहा। तो कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की, और मलिक सर लगता है कि यहाँ से कूद जाएंगे लेकिन कूदेंगे नहीं, यहाँ से वो सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से अच्छा फोटो आ सकता है, उसके इंतजार में मलिक सर है। और यहाँ से कुछ इस तरीके से पतला रास्ता होता है, आप लोगों ने पहाड़ी इलाकों में देखा होगा, ये सारे बैरिकेडिंग की जाती है ताकि आने जाने में दिक्कत ना हो, नीचे खाई होती है, और ये सिंगल रास्ता होता है, ये देखिए ये सिंगल रास्ता है, और कुछ इस तरीके का आपको घर वगैरह देखने को मिलेगा पहाड़ी इलाके में। तो जैसे कि इधर तो बर्फबारी नहीं होती, लेकिन जहाँ बर्फबारी होती है वहाँ बहुत दिक्कत होती है, इसलिए इस तरीके का घर वगैरह बनाई जाती है। और ये देखिए ये जो काफी हाई प्रोफाइल जगह बताई जाती है, मतलब दार्जिलिंग का बहुत ही फेमस जगह है, और ये सीधा रोड चली जाएगी जो कि मॉल रोड, और मॉल रोड काफी फेमस है, वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ, देखिए एक तरफ तो अभी हम लोग फिलहाल पहाड़ पर ऊपर चढ़कर गए थे और ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और मलिक सर का तो आज हालत खराब हो गया होगा, और बहुत दिन के बाद मतलब ये पहाड़ पर चढ़े हम लोग, मतलब 1-2 दिन जाते थे हम लोगों का हालत खराब हो जाती है, और पता नहीं जो लोग डेली इस पे रहते हैं वो मतलब 2-3 बार उतरते होंगे हर काम को पूरा करने के लिए, कैसे यहाँ पर लोग रहते हैं आप देख सकते हैं कि इसी में मतलब हर काम करना है, सिंगल लोड इसी में होता है, इसमें घर वगैरह भी है, उसके वजह से होटल
छोटे छोटे शॉप वगैरह भी है, बड़ी बड़ी होटल भी है इसमें, तो सब चीज इसी रोड पे गाड़ी आना और जाना इसी रोड से सब होता है। जैसे आप देख सकते हैं रोड जो काफी पतला है, और पहाड़ पे जो भी लोग रहते हैं उनकी जिंदगी एकदम अलग होती है, मतलब उनका खान पान जो अलग होती है, उनका रहन सहन वो सब भी अलग होता है, उनकी लाइफ स्टाइल वो सब आपको अलग देखने को मिलेगा, और देख कर भी समझ सकते हैं, आपकी समझ में आ भी जाता है कि हाँ ये पहाड़ी है। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जैसे देख सकते हैं गाड़ी वगैरह इसी तरीके से आ रही है जा रही है, तो ये सिलीगुड़ी से आ रही है और इसी से जाना भी है। तो फिलहाल इस वीडियो में जो कि थोड़ा बहुत मैं अभी दार्जिलिंग में रुका हूँ, उसके आजू बाजू को मैं लोकेशन दिखा देता हूँ कि लोग कैसे रहते हैं और पहाड़ों पर घर कैसे होता है। जैसे सीढ़ी नुमा घर होता है, एक घर यहाँ पे है, फिर एक घर वहाँ पे है, फिर एक घर वहाँ पे है, तो इस तरीके से आपको घर वगैरह पहाड़ पे मतलब कुछ कुछ जगह छोड़ के आपको घर वगैरह देखने को मिलेगा, जो कि छत का भी घर रहता है, दो मंजिल तीन मंजिल का भी घर देखने को आपको मिलेगा, उसके वजह से जो तालपत्री वगैरह का उसका भी घर देखने को मिलता है, जिसकी जैसी हैसियत होती है उस हिसाब से आपको घर देखने को मिल जाती है। तो चलिए इसमें आपको कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि आजू बाजू का पहाड़ पे लोग कैसे रहते हैं उसको दिखाने की, घर वगैरह उसके बाद से लोकेशन वगैरह दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ शॉप वगैरह दुकान वगैरह इस तरीके का होता है, रोड के साइड में दुकान लगी होती है जो कि खाई होता है, तो उसके ऊपर दुकान बनाई जाती है। ये देखिए एक नीचे जाने का रास्ता है, ऊपर जाने का रास्ता है, तो इसी तरीके से जैसे कोई पहाड़ के नीचे रहता है, कोई पहाड़ के ऊपर रहता है, तो जिसकी जहां पर जगह होती है, जमीन होती है, वहां पर रहता है। तो इस तरीके से कुछ आपको पतला पतला गली आपको हर जगह जाने को मिल जाएगा, और काफी लोग जो पैदल सफर करते हैं यहाँ पर, हर जगह जाने के लिए गाड़ी वगैरह की सुविधा नहीं होती है, और ये छोटी वाली गाड़ी चलती है ज्यादातर पहाड़ी इलाके में। ये जो टाटा सुमो हो गया, जो छोटी वाली जितनी गाड़ी होती है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी एक शॉप है, तो आपको इसमें हर चीज मिल जाएगा, मतलब चिकन का शॉप भी आपको यहाँ पर इसी तरीके का मिलेगा, हर चीज का शॉप और खाने पीने की चीज भी आपको इसमें आसानी के साथ मिल जाती है। छोटे छोटे दुकान होते हैं, तो इसमें आपको लगभग हर चीज मिल जाती है खाने पीने की। और ये देखिए कुछ इस तरीके का व्यू पॉइंट बनाया गया, बैठने के लिए लोग यहाँ पर बैठते हैं, और यहाँ सामने खूबसूरत नजारा पहाड़ों के बीच में आप देख सकते हैं कैसे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बैठने की सुविधा बनाई गई, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, क्योंकि पहाड़ पर लोग चढ़ चढ़ कर परेशान हो जाते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं। जिसको आदत नहीं हो तो उसके लिए तो बहुत परेशानी वाली बात है, और जिसकी आदत है जो रोज चढ़ते उतरते उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी वगैरह होती नहीं है। और ये जो मॉल रोड है और दार्जिलिंग की बहुत ही फेमस जगह है, और अगर हाई प्रोफाइल का होटल वगैरह चाहते हैं, 7 स्टार 5 स्टार 3 स्टार, तो आपको पहाड़ के ऊपर मतलब मॉल रोड पे आना होगा, और मॉल रोड पे काफी अच्छे अच्छे आपको होटल मिल जाएंगे, लगभग 4,000 5,000 7,000 10,000 हर तरीके के रेंज में आपको मिल जाएंगे। इस तरीके का अगर आप होटल ढूंढ रहे हैं तो दार्जिलिंग में आप रुके हुए स्टे करना चाहते हैं, तो ये सब पूरा होटल ही होटल है, जो काफी कॉस्टली होटल है। आपको याद रखना है दार्जिलिंग मॉल रोड पे आ जाना है, अगर काफी अच्छे बजट में आप होटल चाहते हैं, हर सुविधा से लैस चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिल सकती है। ये पूरा मॉल रोड है जो कि आपको सिर्फ होटल ही होटल आपको देखने को मिलेगा, और काफी आगे जाएंगे तो काफी चौरस्ता वगैरह हो गया, और मॉल रोड की काफी मार्केट, नाइट मार्केट और इवनिंग मार्केट वो काफी फेमस है। तो ये सब आप यहाँ पर जरूर विजिट करें, यहाँ पर घूमने फिरने के लिए शाम को ही आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको